ये वेक्टर एनालिसिस का 6th वीडियो होगा हमारा और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10.3 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग इससे पहले ये 6th वीडियो में डाल चुके हैं, ये 7th वीडियो होगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें एक है प्रोजेक्शन, इसमें हमको मिलेगा प्रोजेक्शन। जैसे क्वेश्चन में प्रोजेक्शन क्या होता है, देखिए इसमें क्वेश्चन आएगा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है, यानी प्रोजेक्शन का रेखांक है ए से बी तरफ। मान लीजिए थोड़ा सोचिए इसी टाइप से, अगर ये ए वेक्टर था ये बी वेक्टर, तो ए से बी तरफ ये प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, डायरेक्शन क्या ए से बी तरफ। अगर प्रोजेक्शन होगा ए ऑन बी, मतलब ए से बी में प्रोजेक्ट हो रहा, इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, ऊपर में डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, जहां जाएगा कहां जा रहा बी जा रहा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। फिर से प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अगर क्वेश्चन में पूछेगा आपको प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, उस कंडीशन में क्या होगा, यानी ये बी वेक्टर था वहां से ए वेक्टर था, बी से ए तरफ जा रहा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय, कहां जा रहा है, ए जा रहा है ना, बी से ए तरफ कहां प्रोजेक्ट हो रहा है, बी ए में, तो बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मोड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा इसको अगर हम लिखते हैं बी डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट बी जितना आएगा बी डॉट ए भी सेम ही आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट सेम होगा, ए डॉट बी जितना होगा बी डॉट ए भी उतना ही होगा, दोनों को तो मल्टीपल करना है ना, मल्टीपल करने से ही आएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अगर क्वेश्चन हमको थोड़ी स्टाइल से पूछा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब ए तरफ जाएगा या बी जा रहा है, बी में प्रोजेक्ट हो रहा तो बी वेक्टर नीचे होगा, ए में प्रोजेक्शन होगा तो ए वेक्टर नीचे होगा, ठीक है, एक ही फॉर्मूला, मतलब ऊपर में डॉट प्रोडक्ट और नीचे हमारा होगा जहां पर वो प्रोजेक्शन हो रहा है, जहां प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, जो आपने में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द प्रोजेक्शन, और ये जो प्रोजेक्शन है ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में कोई बार आ चुका है, बोर्ड में फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई माइनस जे ऑन द वेक्टर, ऑन द वेक्टर आई प्लस जे, ठीक है, मतलब कहां से आई माइनस जे से आई प्लस जे में, तो क्या निकला प्रोजेक्शन, देखिए प्रोजेक्शन भी क्या होते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, क्या होता फॉर्मूला, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट और नीचे मैग्नीट्यूड, पीछे मैग्नीट्यूड जहां जा रहा है वहां पर जा रहा है, ऊपर में ए डॉट बी, ऊपर में डॉट प्रोडक्ट किसका, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, ए और बी ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, आर माइनस जेड डॉट आर प्लस जे, नीचे क्या चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड किसका, जो हम लोग को जहां जा रहा इसको ए माने तू, ये बी माने थे ना, बी तो जा रहा है यहां से यहां जा रहा है, ए और वन के बाद जो होगा वन के बाद क्या आर प्लस जे, इसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, जैसे टू आर प्लस थ्री जे प्लस फोर जे, अगर ये वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड निकालना था, मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, रूट ओवर करते हैं 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर जो था 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या था 4 का स्क्वायर,
यही आंसर हो गया। हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए जिसका, इसका ना उसके साथ कितना कुछ नहीं, तो वन है ये वन स्क्वायर, इसमें भी कुछ नहीं तो इसके साथ क्या होगा है वन के स्क्वायर, ऊपर में डॉट करेंगे, डॉट कैसे करते हैं, आई को आगे मल्टीप्लाई से कुछ नहीं तो वन है, वन इंटू वन, बीच में पॉजिटिव साइन माइनस वन इंटू वन, माइनस वन इंटू वन, और नीचे के अंदर में वन प्लस वन, ऊपर में वन माइनस वन और नीचे हो जाएगा रूट टू यानी जीरो, ऊपर में जीरो जीरो बाई रूट टू क्या होता है जीरो बाई चौबीस जीरो होता है, इसका प्रोजेक्शन का वैल्यू क्या आया जीरो। क्लियर है, किस टाइप से देखेंगे इसके आंसर कितना आया हमारा जीरो आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर r प्लस थ्री जे प्लस सेवन के, r प्लस थ्री जे प्लस सेवन के ऑन द वेक्टर, ऑन द वेक्टर सेवन आई माइनस जे प्लस एट के, सेवन आई माइनस जे प्लस एट के, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे अगेन क्या क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, क्या ये वेक्टर दिया हुआ, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन करना इस वेक्टर में, ठीक है। मान लेते हैं ए था ये बी था, हम लोग क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो क्या करें ऊपर में डॉट प्लॉट और नीचे में भी डॉट, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रोजेक्शन निकालते हैं, मान लेते हैं ये जो वेक्टर है सेवन है ये ए है और ये जो वेक्टर है बी है, क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो क्या हो सकता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, फिर डॉट निकालते हैं डॉट बी, मतलब उसको आर प्लस थ्री जे प्लस ऑफ सेवन के डॉट ये वाला सेवन आई माइनस जे प्लस ऑफ एट के डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इस चीज का जहां प्रोजेक्शन हो रहा है, इसका प्रोजेक्शन हो रहा है ना, ऑन के बाद जो भी होगा उसको नीचे लिखें, ऑन के बाद ये वाला आगे वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या था सेवन का, सेवन का स्क्वायर प्लस ऑफ क्या था कुछ नहीं था माइनस वन था, माइनस वन का स्क्वायर प्लस ऑफ एट का स्क्वायर, ऊपर में डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं आगे से गुणा कुछ नहीं तो वन इंटू सेवन, बीच में प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस सेवन इंटू एट डिवाइडेड बाय रूट ओवर फिफ्टी नाइन माइनस वन के स्क्वायर वन और ये सिक्सटी फोर, ऊपर में सेवन माइनस थ्री प्लस फिफ्टी सिक्स नीचे फिफ्टी हंड्रेड फोर्टीन वन वन फोर, ऊपर में देखते हैं फोर यानी सिक्सटी अपन वन वन फोर, ये हो जाएगा हमारा प्रोजेक्शन। क्लियर है, सेम क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन के साथ पूरा का पूरा मैच किया, इसमें भी वही निकालना था प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन हम लोग निकालते कैसे है, पहले क्या करते हैं सपोज ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऊपर में दोनों वेक्टर के डॉट निकालेंगे और नीचे मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड जो ऑन के बाद होगा, जो वेक्टर ऑन के बाद गिवन होगा, ऑन द वेक्टर ये वाला वेक्टर दिया हुआ था तो जहां जा रहा है बी में, यहां पर हम लोग लिखे ऑन दैट्स, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, सो दैट द गिवन वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, एस टी यानी सो दैट द गिवन वेक्टर इज
यूनिट वेक्टर, सो दैट द गिवन वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। गिवन वेक्टर दिया होगा 1/7236, 1/7 2r + 3j + 6k, कॉमा दूसरा दिया हुआ 1/7 3 - 6 2, 1/7 3 - 6j + 2k, कॉमा 1/7 6 2 - 3, 1/7 6i 2j - 3k। हमको एट फर्स्ट ये के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं जो भी वेक्टर गिवन है उसको दिखाना है कि यूनिट वेक्टर है। देखिए यहाँ पर तीन वेक्टर है, यहाँ से आए ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, तीनों वेक्टर को हमको शो करना है कि ये यूनिट वेक्टर है। उसके बाद क्वेश्चन को और भी जुड़ा हो, ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल्सो शो दैट एसटीएम शो दैट They are mutually perpendicular to each other। दिखाना है इसके बाद ये एक दूसरे के साथ perpendicular है। सबसे पहले तो इसको यूनिट वेक्टर दिखाना है, एक दो तीन, तीन वेक्टर गिवन है, तीनों को पहले हमको यूनिट वेक्टर शो करना। यूनिट वेक्टर शो करने के बाद दिखाना है कि एक दूसरे के साथ, देखिए म्यूचुअल, हम लोग फेसबुक में बहुत सारा ये वर्ड आता है म्यूचुअल, म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल का ही मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे कोई ये लड़का है और ये दोनों, ये इसके दोस्त है और ये भी, मतलब ये जो आदमी है ये दोनों का कॉमन दोस्त है, कॉमन फ्रेंड है, इसका एक फ्रेंड है, इसका एक फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल मतलब आपस में एक दूसरे के साथ, आपस में इसके साथ भी होगा उसके साथ भी, ठीक है। उसको दिखाना सबके साथ एक दूसरे के साथ, सबके साथ वो परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, स्ट्रेच होता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है। हमको दिखाना परपेंडिकुलर दिखाने मतलब क्या दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना, ठीक है। चलिए परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है, जैसे हमको देखेंगे अगर कोई व्यक्ति चलिए पहले हम लोग दिखा देते इसकी यूनिट। तीन वेक्टर है, तीनों का नाम देते हैं। जो फर्स्ट वेक्टर है इसको नाम दे दिए ए वेक्टर, मान लेते हैं ये वाला जो है बी वेक्टर है, ये वाला जो है सी वेक्टर है। हमको तीनों का तीनों दिखाना है कि ये एक बार लिखेंगे इस टाइप से, लेट ए वेक्टर इक्वल टू दैट बी वेक्टर इक्वल टू दैट और सी वेक्टर इसको तीनों को मान लिए, ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। अब इसको हम लोग दिखाएंगे क्या दिखाना है, ये यूनिट वेक्टर है, तीनों का तीनों यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये जो 1/7 है इसको बाहर नहीं रहने दी, ये तो बाहर में है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसको, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये क्या था 6 का स्क्वायर, बाहर में क्या था 1/7 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36, बाहर में क्या था 1/7, बाहर में 1/7 था, अंदर में क्या हो रहा रूट के अंदर में 40 49। अच्छा ये नहीं लिख सकते 1/7 और अंदर में भी 7 कटेगा तो 1 आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 1। मतलब ये जो वेक्टर था ए वेक्टर वो एक यूनिट वेक्टर है। उसी टाइप से हम लोग बी वेक्टर को चेक करते हैं, अगर 1 आएगा तो यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर में बाहर 1/7 तो इसको लिख दिए, फिर रूट 3 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर ना 1/7 बाहर में था, 1/7 बाहर में था, रूट के अंदर में 4 36 sorry 9 36 4, ये 9 - 6 का स्क्वायर भी 36 ही होता है,
49 होगा ये भी 1 by 7 और रूट का अंदर में 49 यानी 1 by 7 into 7 कैंसिल होगा, ये भी 1 आया। 1 आने का मतलब ये कि ये भी यूनिट वेक्टर है, यानी ए वेक्टर यूनिट वेक्टर हुआ, बी वेक्टर यूनिट वेक्टर हुआ, सी वेक्टर को भी, तीनों को दिखा लिया यूनिट वेक्टर। सो दैट द गिवन वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, जो भी है सब कुछ यूनिट वेक्टर है। तो थर्ड वाला मैग्नीट्यूड ऑफ सी, इसमें भी बात करना है 7 का 1 by 7 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर 1 by 7 36 4 9 ये भी 49 है। 49 मतलब ये 1 by 7 है, 49 तो 7 कटेगा तो ये भी 1। Hence, A vector, B vector and C vector are unit vector. Unit vector का मतलब ये होता है उसका magnitude 1 हो। ये हम लोग को show करना था, अच्छे show करना था ना, तो proved या verified या shown लिख सकते हैं, shown। ठीक क्या हो जाएगा, proved हो गया। हमको दिखा दिए, क्या दिखा दिए कि unit vector है। क्लियर है, तुमको सबसे पहले यूनिट वेक्टर चेक करना था, तो ए को बी को सी को सबका मैग्नीट्यूड निकाले और मैग्नीट्यूड 1 आया तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है और हम लोग को यूनिट वेक्टर आ गया। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या था इसमें कि दिखाना है कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, इट इज परपेंडिकुलर so that it's it per mutually perpendicular so that they are mutually perpendicular दिखाना कि ये mutually perpendicular है। जब perpendicular तो 90 डिग्री, यानी आपको दिखाना a और b का एंगल निकाले, a और b के बीच का एंगल निकालेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए, b और c का निकालेंगे तो 90 आना चाहिए, उसी टाइप a और c का निकालेंगे फिर भी 90 आना चाहिए, मतलब किसी का भी एंगल निकालेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं हाँ 90 डिग्री, तो उसी पर परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री। अच्छा दूसरा और कंडीशन हम लोग जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा, ये ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ये कोस 90 थीटा जो 90 लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर तो 90 होता है ना, पर हम जानते हैं कोस 90 का जो वैल्यू होता है 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब क्या ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी जीरो कब होगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हम एक तो निकाल सकते हैं एंगल, अब कौन निकाल लीजिए एंगल निकाल लीजिए वो जीरो इवेंटली नहीं आएगा, या ए डॉट बी अगर जीरो होगा तो हम उस चीज को बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर शो करने के लिए हमको ए डॉट बी निकालना है जीरो, ए डॉट बी फाइंड करना है दिखाना है कि वो जीरो होगा, अगर ए डॉट बी जीरो आएगा तो हम बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर है। देखिए ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा ना, परपेंडिकुलर 90 होता है कोस 90 जीरो, जीरो गुना कुछ भी करे जीरो ही होता ना, मतलब ये परपेंडिकुलर कब होगा, जब ए डॉट बी जीरो होगा उस कंडीशन में ही परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, देखिए इफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो देन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। नाउ अगर हमको कोई भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाना है, अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो निकाल लीजिए, फिर हम पहले निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए और बी का डॉट करते हैं, हमको आपस में तीनों दिखाना ना म्यूचुअली, तो ये 1 बाय 7 2 आई 3 जे 6 के डॉट ऑफ 1 बाय 7 3 आई माइनस 6 जे प्लस टू के सिक्स डॉट निकालते बाहर वाला बाहर लिखते 1/7 × 1/7 1/49 कर देते इसको अंदर में 2 × 3 ये हो जाएगा 6 3 × −6 − 18 6 × 2 = 12 फिर इसको देखते हैं क्या आ गया, नीचे तो 1/49 था, ऊपर में कितना आ रहा,
18 माइनस 18 फिर 0 0 इज कुछ भी 0 आया मतलब a डॉट b का वैल्यू कितना आया 0 आया मतलब क्या a डॉट b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है उसी टाइप का हमको निकालना है b डॉट c तो b का वैल्यू 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k डॉट इसमें भी 1/7 था 1/7 6i 2j माइनस 3 और नेक्स्ट 1/7 टू 1/7 1/49 इसको कर लेते हैं 3 × 6 = 18 −6 × −2 − 12 −3 − 6 ये 1/49 और ये कितना हो जाएगा 18 − 18 0 टोटल हो जाएगा 0 उसी टाइप से हमको और दिखाना है उसको ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ये भी उसी टाइप से 0 आना चाहिए ठीक है तो हम क्या लिखेंगे उसको दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर टू क्लियर है ये बनेगा हम छोड़ देते इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं चलिए अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या था हमको फाइंड क्या करना था गिवन था कि हमको एक क्वेश्चन तीन वेक्टर दिया हुआ इसके यूनिट वेक्टर निकालना तीन वेक्टर दिया हुआ इसके यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड निकालना मैग्नीट्यूड निकालना हम जानते ही है रूट देते हैं 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर वन आता तो यूनिट वेक्टर उस टाइप से हम देखे इसको देखे कि वन वन आ रहा तो यूनिट वेक्टर था यूनिट वेक्टर के बाद हम इसमें चेक किए कि इसका मैग्नीट्यूड सॉरी यूनिट वेक्टर है फिर उसके बाद दिखाना था कि ये विजुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के साथ सभी परपेंडिकुलर है मतलब क्या करेंगे ए डॉट बी निकालेंगे 0 आना चाहिए बी डॉट सी निकालेंगे वो भी 0 आना चाहिए ए डॉट सी निकालेंगे वो भी 0 आना चाहिए अगर तीनों 0 आ जाता तो बोलेंगे इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो 0 निकाल दिए तीसरा हम लोग निकाल लीजिए क्लियर है क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ठीक है क्वेश्चन को देख रहे हैं आपको फाइंड क्या करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालना है तो दिया हुआ a प्लस b डॉट a माइनस इक्वल टू 8 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 8 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ये चीज हमको गिवन है इस कंडीशन से मुझे फाइंड करना मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या होगा ठीक है चलिए ट्राई करते हैं इसका गिवन है जो क्या दिया हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8 डॉट पर डॉट हम लोग क्या ए को तीनों के साथ मल्टीपल ए इंटू ए इसको लिख सकते ए डॉट ए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अब बी को मतलब ए को ए के साथ फिर ए को बी के साथ दोनों साथ किया बी को बी इंटू ए प्लस ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसका कितना
8 है। अगर इस चीज के बात करें a डॉट a, देखिए a वेक्टर डॉट a वेक्टर होगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा ना, दोनों के बीच जीरो जीरो डिग्री में होगा ना, a और a के बीच में दोनों लाइन है, ये भी है ये भी है, दोनों बीच में जीरो डिग्री, तो जीरो वैल्यू वन होता है ना, ये वैल्यू वन हो जाएगा, इनटू वन तो क्या हो जाएगा a वेक्टर स्क्वायर a डॉट a स्क्वायर को मोड ऑफ a के स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसको भी लिख सकते हैं b डॉट a स्क्वायर टू a डॉट b, दोनों सेम होता है डॉट प्रोडक्ट में, a डॉट b जितना होगा b डॉट a भी उतना ही होगा माइनस मोड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू a, ये दोनों कैंसिल होगा सेम था, एक प्लस एक माइनस, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू a है ना, चलिए a मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इसके तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं 8 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इसके लिए, देखिए a था नहीं है मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, a का प्लस में लिख सकते हैं 8b, इसके प्लस में लिखिए मतलब कितना हो जाएगा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इसके लिए 8, a घटाएंगे तो 63 होगा, इस टाइप चीज को लिख सकते हैं हम लोग, सिक्सटी फोर बी स्क्वायर माइनस सिक्सटी सॉरी माइनस बी स्क्वायर यानी सिक्सटी थ्री बी स्क्वायर, सिक्सटी थ्री मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू एट यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू एट अपॉन सिक्सटी थ्री, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू एट अपॉन सिक्सटी थ्री यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये स्क्वायर इन दोनों का रूट हो जाएगा रूट ऑफ a अपॉन 63, ये एक आंसर हो रूट ऑफ a अपॉन 63। अब मुझे a चाहिए था, मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल क्या होता है 8 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, 8 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b 8 इनटू रूट ऑफ a अपॉन 63 यानी 8 रूट्स 8 अपॉन 63 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर, क्लियर है यहां तक, कितना सही है क्लियर है, तो इस टाइप से इसको हम लोग सॉल्व किए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इवेलुएट द प्रोडक्ट थ्री ए माइनस फाइव बी, थ्री ए माइनस फाइव बी डॉट टू ए प्लस 2a plus 7b, इसका प्रोडक्ट इधर इवेलुएट करना, इवेलुएट का मतलब ये फाइंड करना, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ 3a minus 5b dot of 2a plus 7b, इसका हमको क्या करना प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट यानी इसको मल्टीपल कर देना, क्या आया इससे क्वेश्चन क्या था 3a minus 5b dot of 2a plus 7b, चलिए करते हैं 3 into 2 6 और ये a vector dot a vector होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ 3 into 7 21 a vector dot b vector, अब 5 minus 5 को मल्टीप्लाई minus 5 into 2 minus 10 b vector dot a vector माइनस फाइव किसके साथ माइनस थर्टी फाइव बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको लिख सकते हैं सिक्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, अच्छा नहीं बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर,
दोनों सेम होता है, a डॉट b कितना ही होगा, b डॉट a भी उतना ही होगा, तो 21 माइनस 10 कितना आ गया, a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस ऑफ 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज छोटा क्वेश्चन जस्ट इसमें हमें कुछ नहीं करना था, केवल इसका प्रोडक्ट फाइंड करना था, ठीक है। तो इसका रिपीट है, इवेलुएट द प्रोडक्ट, ये दो चीज दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना, दैट मींस इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना। कैसे करेंगे, 3a 5b, 3 को मल्टीप्लाई किए 3a के ऊपर इसके साथ 2a के साथ, 3 × 2 = 6 a डॉट a, 3a को 7 के साथ 3 × 7 21 a डॉट b, और -5 को मल्टीप्लाई -5 × 2 -10 b डॉट a, b डॉट a -5 इसको -5 b को 7 के साथ -5 × 7 35 b डॉट b, हम लोग जानते हैं ये वाला दोनों सेम, a डॉट b और b डॉट a, तो 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा, बाकी दोनों सेम 30 प्लस, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही।